मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद भूमि विवाद में शुक्रवार को नया मोड़ सामने आया। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी सचिव के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उन पर फर्जी दस्तावेज देने का आरोप है। शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से कोई भी अभिलेख वर्तमान में मौजूद नहीं है। नगर निगम खतौनी और राजस्व अभिलेख में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से दर्ज है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से दायर की गई याचिका पर सीजीएम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। ट्रस्ट की ओर से मांग की गई है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी सचिव ने दस्तावेजों में हेरफेर करके कमेटी के नाम से अवैध रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से कोई भी अभिलेख वर्तमान में मौजूद नहीं है। नगर निगम खतौनी और राजस्व अभिलेख में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से अभिलेख दर्ज है। शाही ईदगाह मस्जिद सचिव पर आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके 49 वर्ष पूर्व शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी का रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं नगर पालिका और राजस्व अभिलेख में कमेटी के नाम से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तलगृह में पूजा अर्चना की अनुमति देने संबंधी डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। महाधिवक्ता का कहना था कि डीएम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील से बेंच ने पूछा था कि बेसिक आदेश 17 जनवरी 2024 का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी। कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा, उसे भी चुनौती देंगे। बता दें डीएम 17 जनवरी से रिसीवर नियुक्त हुए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी गुरुवार तड़के सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था। कश्मीरी अलगाववादी नेता और उग्रवादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के प्रमुख यासिन मलिक ने हार्ट और किडनी की बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यासिन मलिक ने हाईकोर्ट से अपने इलाज के लिए एम्स या किसी अन्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर करने का निर्देश देने की मांग की है। जस्टिस अनूप कुमार मेदिरंता ने मामले की सुनवाई करते हुए मलिक की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि क्या वह एम्स की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड या अपनी पसंद के डॉक्टरों से इलाज कराने के इच्छुक हैं। मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। केंद्र सरकार ने याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा कि यासिन मलिक को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका इलाज केवल ओपीडी में किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजत नायर ने बेंच को बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मलिक की जांच के लिए एम्स का एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। नायर ने कहा कि मलिक का इलाज जेल में ही किया जाना चाहिए और उन्हें जेल में ही सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस बीच कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि मलिक को आवश्यक इलाज जेल के अस्पताल में ही उपलब्ध कराया जाए। मलिक आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और तिहाड़ जेल में बंद है। मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली NIA की अपील दिल्ली के समक्ष लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला एन त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर सिब्बल ने कहा कि ये मामला एक मुख्यमंत्री का है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, आप साक्ष्य देखें। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि सबसे पहली बात कि कोर्ट सबके लिए खुला है और दूसरी बात कि हाई कोर्ट भी संवैधानिक बेंच है। अगर इस तरह हम सुनवाई करेंगे तो हर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश के बारे में बताया जब ईडी के समन के खिलाफ सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था। गौरतलब है कि ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गौरतलब है कि ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को उनसे पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन को भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय 5 दिनों तक के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपने का निर्देश दिया। रिमांड की अवधि आज शुक्रवार से शुरू हुई है। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्यवाही से अपडेटेड रहने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम को देखें और वीडियो को शेयर करें।